हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं शाम 7:30 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के किन किन इलाकों में आज रात बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं और वर्तमान में राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान डीआरटी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इलाके में कैसा रहा मौसम, जिसके माध्यम से संपूर्ण दर्शक ये जान सकें कि राजस्थान के किन किन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो किन किन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के अंदर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। लो प्रेशर एरिया की बात करें तो वर्तमान में ये मध्य भारत के आसपास बना हुआ है। लो प्रेशर एरिया इंदौर व नागपुर के आसपास के सटे इलाकों पर केंद्रित है और धीरे धीरे दिशा की ओर बढ़ रहा है। एक स्थानीय मौसमी प्रणाली सर्कुलेशन की बात करें तो वर्तमान में बीकानेर व जैसलमेर के सटे इलाकों के आसपास बना हुआ है। इस सर्कुलेशन के प्रभाव से देखा जाए तो जैसलमेर के कई इलाकों में पाकिस्तान व बीकानेर के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेषतः इस सिस्टम के प्रभाव से जैसलमेर व पाकिस्तान से सटे इलाकों के आसपास कहीं की भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। मानसून ट्रफ की बात करें तो वर्तमान में बीकानेर व जैसलमेर से जटियाला इलाकों से होती हुई जोधपुर नागौर के आसपास लगाकर उदयपुर के कई इलाकों से होती हुई बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों से लगाकर पूर्वोत्तर भारत तक बनी हुई है। मानसून ट्रफ के आसपास भी लगातार मानसून सक्रियता नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और इन क्षेत्रों पर लगातार पूर्वी धारा के सहारे कई इलाकों में बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के इलाकों की बात करें तो आने वाले 24 घंटों के अंदर किन किन इलाकों में होने वाली है बारिश की गतिविधियां और वर्तमान में राजस्थान के किन किन इलाकों पर घने बादल बने हुए हैं और कई इलाकों में हल्के से तेज तो कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जारी हैं। विशेषतः बात करें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ के आसपास राजस्थान के कई इलाकों में घने बादल बनते हुए नजर आए और कई इलाकों में हल्की से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। मानसून ट्रफ की बात करें तो आप देख सकते हैं वर्तमान में किस प्रकार से मानसून ट्रफ जैसलमेर बीकानेर के आसपास जोधपुर उदयपुर नागौर के कई क्षेत्रों से होती हुई कोटा संभाग के आसपास से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मानसून ट्रफ के आसपास देखा जाए तो किस प्रकार से घने बादलों का निर्माण हुआ है और कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार की गतिविधियां होने वाली है। जैसलमेर के पश्चिमी भागों की बात करें तो इन क्षेत्रों में पिछले 3 से 4 घंटों के दौरान कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कई इलाकों में मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेषतः वर्तमान में बारिश की गतिविधियां आज रात राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर से होती हुई जोधपुर के आसपास के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर जो पाकिस्तान से सटे इलाकों में आज शाम के समय वर्तमान में कई इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद से कई कई खंड बारिश की गतिविधियों की शुरुआत देखने को मिली और वर्तमान में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। श्रीगंगानगर से लगाकर गोसाईपुर सूरतगढ़ फोर्ट अब्बास से लगाकर पल्लू लोनकरणसर खाजवाला बीकानेर के आसपास की बात करें तो श्री डूंगरगढ़ सुरजा रंजीतपुरा खिंजसर से लगाकर नोखा नोक से लगाकर आसपास की संपूर्ण इलाकों में खंड बारिश की गतिविधियां तो कई इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बहला श्री मोहनगढ़ से लगाकर रामगढ़ नोटमाता के आसपास आज कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां हुई और आज रात इन क्षेत्रों में और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जैसलमेर पोखरण से ऊंडू शेरगढ़ से लगाकर जोधपुर ओसिया भोपालगढ़ मेरता सिटी कुचरे के आसपास भी वर्तमान में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं और आज रात इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ती हुई नजर आएगी। शेरगढ़ बालोतरा के आसपास भी कई कई इलाकों में आज रात मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ऊंडू सेव गटर रोड से लगाकर बाड़मेर के आसपास से लगाकर धोरमीना के आसपास तक आज रात कई कई इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। बालोतरा सुरैना भीनमाल सांचौर सिरोही अबरोड के आसपास भी कई कई मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेषतः आज भारी बारिश की गतिविधियों की बात करें तो देवगढ़ रानी राजसमंद उदयपुर बिंदेश से लगाकर चित्तौड़गढ़ के आसपास के इलाकों में कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। सोलंबर डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के इलाकों में कई कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां विशेषतः उदयपुर संभाग के आसपास के कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। कोटा संभाग के आसपास भी कई की भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी।
ढाकेरी कुएकड़ी से लगाकर मालपुरा टोंक के आसपास कहीं कहीं खंड वर्ष की गतियां संभावित हैं। बनोली गंगपुर भरतपुर के आसपास से लगाकर महुआ भरतपुर अलवर की से लगाकर दौसा जयपुर के आसपास तक कहीं कहीं हल्की से तेज तो कुछ इलाकों में खंड वर्ष की गतियां देखने को मिलेगी तो कहीं कहीं इलाकों में ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। झुंझुनू शुरू के आसपास भी कई इलाकों में तेज खंड वर्ष की गतियां वर्तमान में देखने को मिल रही है। आज रात वर्ष की गतियों की बात करें तो राजस्थान के मध्य भागों के आसपास कहीं की मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्ष की गतियां हो सकती हैं। मानसून ट्रफ के आसपास भी वर्ष की गतियां संभावित हैं। बाकी संपूर्ण उत्तरी पूर्वी राजस्थान के इलाकों में खंड वर्ष की गतियां तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में तेज वर्ष की गतियां देखने को मिलेगी। आने वाले 24 घंटों के बाद से वर्ष की गतियों में हल्की कमी देखने को मिलेगी और 24 से 48 घंटों के बाद एक बार फिर से पुनः संपूर्ण राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अभिज्ञित नहीं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।